एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं हाइड्रोनियर। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया था, हमने थोड़ी बहुत माइनिंग की थी और एक छोटा सा सिस्टम बनाया था जहाँ से वाटर कलेक्ट होगा और वो आके एक बकेट में गिरेगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैंने ना थोड़ा सा माइन करके थोड़ी सी जो एक केव सी बना दी है इस शवल की मदद से। देखो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस छोटी सी है। मैं सोच रहा हूँ कि जितना हम और डीप जाते जाएंगे ना, उतने जो रिसोर्सेज है वो हमें और भी ज़्यादा बढ़िया मिलेंगे। फिर अगर उनको हम बेचते हैं तो उनसे हमें और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो मुझे डॉट निकालनी है, डालनी है इस पैन में और उसके बाद ब्रश उठाना है और मारना है और हमें जो ओर है वो मिल जाएगा अपने पास। देखो इसमें ना एक शार्ड भी पड़ा है, तो ये शार्ड तो वैसे बिकता नहीं है तो इसको साइड में रखते हैं। मैंने जेम्स वगैरह भी रखे हैं तो इनका भी आज हम सिस्टम थोड़ा सा बनाएंगे। फिलहाल अभी देखो गोल्ड का ओर भी पड़ा भाई। देखो थोड़ा सा ना ये बड़ा सा लग रहा है मुझे, क्योंकि हमने नीचे से डॉट निकालिया ना, तो नीचे काफ़ी बढ़िया रिसोर्सेज मिलते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इनको ना मैं इस वाली बकेट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और मेरे पास ना अभी काफ़ी सारे हाइड्रो कॉइंस हो चुके हैं जिनकी मदद से आज हमने कुछ नई मशीन्स लेके आएंगे। फिलहाल यार अभी एक काम करता हूँ, रुको ये शार्ट वगैरह ना इसमें साइड में करता हूँ। अभी ये जो अपने पास दो चार आयरन पड़ा ना, इसको बेच के आते हैं। थोड़े से जो कॉइन्स हैं हमें इनसे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो मशीन्स है ना वो लगभग 800-850-900 के करीब कुछ की पड़ेगी अपने को, तो वो हम खरीद लेंगे। तो मेरे पास ये देखो तीन और एक ये चार, ठीक है। दो गोल्ड है, दो आयरन है और इतनी ठीक है, ये तो शार्ड है ना, इसको हम साइड में रख लेते हैं, बिकेगा नहीं, ठीक है। और अब इनको लेके चलते हैं। देखो अपने पास ना लगभग 800 से थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन इनसे कितने पैसे मिलेंगे यार, इनसे थोड़े कम ही मिलेंगे, बट कोई नहीं। इनको ना ज़्यादा नीचे से निकाला तो थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, कम से कम 30-40 तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं ऊपर से निकालता तो भाई वही आधे से भी हमें कम पैसे मिलते, लेकिन इनसे अभी चल के हम बेचते देखते कितने टोटल पैसे मिलते हैं। भाई काम करते हैं, इसको रख देते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है भाई। पूरे 50 कॉइन्स मिले, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसको मैं रख लेता हूँ इसके अंदर। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, श्योर आई एम हंग्री क्या? अच्छा इसको 4 किलो टमाटर चाहिए और उसके बदले हमें 32 हाइड्रो कॉइंस देगा। 4 किलो टमाटर, भाई यार मेरे पास तो 4 टमाटर भी नहीं है, 4 किलो कहाँ से लाऊं मैं? अभी तो हमने फार्मिंग स्टार्ट ही नहीं करी है। फार्मिंग भी हमने स्टार्ट करनी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम अभी हमें लगेगा, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी सारे पैसे इकट्ठा करना है ताकि मैं पहले मशीन्स लगाए, ठीक है। पहले अपना जो बेसिक सेटअप है पहले हम वो करें, उसके बाद ही हम फार्मिंग वगैरह और भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी करेंगे। और मेरे पास कितना ये 8 28 और ये 50, एक सेकेंड मैं इनको ना कंबाइन कर देता हूँ। इसको हम इसके ऊपर, भाई ये तो पैन के ऊपर हो गया, इसको इसमें डालना है, ठीक है। इतने 878 हो चुके हैं अपने पास में, और 878 में तो भाई ये मशीन्स आ जाने चाहिए। इसको मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये कितने की है, ठीक है, ये है 320 की, और उसके बाद ये है 450, हो जाएगा भाई आराम से अपने का, क्या हो गया। अच्छा एक मिनट भाई, मुझे पहले इसको ख़रीदना तो पड़ेगा ना, रुको। सबसे पहले यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा, और उसके बाद जो अपनी ये वाली मशीन है इसको रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इनको बाय कर लेते हैं, कितना टोटल हुआ, 752, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे अपने बच भी चुके हैं। तो सबसे पहले जो ये वाली ड्रिल है ना, आयरन ड्रिल, तो पहले हम इसको सेटअप करेंगे। लेकिन एक मिनट, इधर तो मैं माइनिंग कर रहा हूँ, इसका सेटअप ना मुझे यार वहाँ से शिफ्ट करके इधर लाना पड़ेगा, रुको। पहले इस कार्ट को मैं यहाँ से हटाता हूँ, उन पाइप्स को ना, हमें सारा पाइप जितने भी हैं इन सबको हटा के हमें दूसरी साइड रखना पड़ेगा अपना बेड भी ना। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना पीछे रख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इन पाइप, सबसे पहले इस वाले को निकालते हैं, इसको हम लगा देते हैं ऐसे करके नीचे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इसको रोटेट करना बस, तो इसको एक मिनट, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पानी के अंदर आइए। भाई मछली नहीं फंसी क्या एक भी? एक मिनट, एक मछली फंसी है, ठीक है, एक मछली फंस रखी है। चलो इसके एक काम करते हैं, मैं ना इस पैन में डाल देता हूँ, इसको भी चल के बेच के आएंगे, या फिर मैं थोड़ी सी और फिशिंग कर लूँगा। भाई एक मछली में क्या पैसा मिलेगा, थोड़ी सी और फिशिंग करके हम उन सारी मछलियों को बेच के आ जाएंगे, उनसे भी हमें थोड़े से कॉइन्स मिल जाएंगे। और अभी मैं काम करता हूँ, अभी फटाफट से पहले ये वाला मैं काम कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद ही चल के हम एक फ़िशिंग रॉड खरीद के लेके आएंगे। बस मुझे देखना है कि कितने कॉइन्स की आएगी, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं आती फिशिंग रॉड, लेकिन फिर भी मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। अभी इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कनेक्ट करके, ये कि यहाँ पे एक बची है ना, ठीक है, इसको भी लगा ही देते हैं, एक आ जाएगी अपनी इसके यहाँ पे। और उसके बाद ये जो अपनी मशीन है ना, ड्रिल मशीन, इसको हम लगाना है इसके ऊपर, इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं। पानी की पाइप उसमें जा रही है ना, हाँ बिल्कुल परफेक्ट लगा है। देखो पानी की पाइप उसमें कनेक्ट हो रही है, तो पानी की सप्लाई उसके अंदर हो रही है। और अब मुझे जो अपना वो दूसरी मशीन है ना, ये कौन सी है, ये एक सेकंड, ये अपना हार्वेस्टर है, ठीक है, ये हार्वेस्टर है, तो इसको मुझे लगाना पड़ेगा ड्रिल मशीन के नीचे,
अब इसका जो प्रोसेस है मैं आपको समझा दूंगा अभी फिलहाल, तो कई बंदों को पता होगा जिन्होंने पिछला एपिसोड पिछली सीरीज देखी है इसकी। तो देखो इसमें से डॉट निकलेगी, इसको जब मैं स्टार्ट कर दूंगा तो डॉट जाएगी सीधा इसके अंदर, और उसके बाद इसके जो डॉट है ना उसमें से जो हमें और मिलेगा वो कलेक्ट होएगा इस वाले पैन में। ये थोड़ा सा साइड में रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सारा सामान इसमें आके गिरेगा और बस मुझे एक काम करना है, अपनी शवल उठानी है और डॉट नीचे से निकालनी है, बिल्कुल नीचे से निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद इस डॉट को ना हमने अपने जो ड्रिल मशीन है उसके नीचे लगा देनी है। और कोई एक सेकंड, पहले क्राउच होकर लगाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। डॉट भी हो चुकी है, सारा काम अपना सेट हो चुका है और अब मुझे इसको करना है ऑन यहाँ से, ठीक है। पानी का कनेक्शन जो सप्लाई है वो जा चुकी है और उसके बाद यहाँ से मुझे ऑन, एक सेकंड, मैंने पानी बंद कर दिया क्या? पहले से ऑन था शायद, रुको इसको मैं दोबारा चालू करता हूँ। हाँ ये वर्क कर रहा है, ठीक है वर्क कर रहा है भाई। उसमें से देखो अभी ना डॉट निकल, ठीक है निकल रही है। और उस ये क्या हुआ, एक मिनट भाई, ये वेट इसको बंद करो यार, एक सेकंड। इसमें भी तो हमने सप्लाई देनी है ना, जितनी भी मशीन्स होती है हमने उन सब में जो पानी का कनेक्शन है ना वो देना होता है। रुको मैं इन डॉट को ना बाहर निकाल देता हूँ। एक और डॉट तो आई थी, दो डॉट आई थी, एक पता नहीं कहाँ चल गई। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, चल के ना थोड़ी सी पाइप्स मुझे और लगानी पड़ेगी। मैं भूल ही गया था कि भाई सब में लगाना पड़ता है हमें। यार पैसे कितने बचे भाई अपने पास, 126 पड़े हैं, 126 में आ जाएगा। जो आयरन की पाइप्स हैं ना काफ़ी सस्ती हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा पैसा अपने पास पड़े ही है ये। चलो एक काम कर दूँ मैं, सबसे पहले ना हमें एक तो ये वाली चाहिए, ठीक है, ये कर्व वाली, और उसके बाद हमें चाहिए एक सेकेंड, एक ये वाली भी और एक दूसरी वाली भी चाहिए मुझे। इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसकी हम तीन खरीद लेते हैं, ठीक है, तीन इसका हो जाएगा। बाकी एक ये वाली चाहिए हमें, जो जिसमें से ये निकल रखा है ना ये, वो चाहिए। और उसके बाद एक मैं ले लेता हूँ ये, ये भी थोड़ा काम आ जाएगा अगर पाइप वगैरह कहीं से ना वो हो रखी होगी, खुली होगी, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 91 कॉइन्स अभी भी अपने पास पड़े हैं, तो थोड़े बहुत मैं पाइप्स और ख़रीद सकता हूँ, लेकिन अभी मैं अपना ट्रक लेके आता हूँ, क्योंकि भाई वो 8-10 पाइप्स है, ठीक है, और उनको एक एक करके अगर हम ले जाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा अपना ट्रक लेके चलते हैं, सारा सामान इसमें लोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद चल के हम वो वाला जो कनेक्शन है ना हार्वेस्टर का, उसमें भी कनेक्शन लगाते हैं पानी का, ताकि वो भी वर्क करना स्टार्ट हो जाए। और एक बार अपना ये सिस्टम बन जाएगा ना, फिर अपने पास ऑटोमेटिकली जो ओर्स हैं, आयरन, गोल्ड, जेम्स वगैरह, वो सारे इकट्ठे होते रहेंगे, तो हम जाके उनको बेच बेच के और भी ज़्यादा मशीन हम खरीद के ले आएंगे। जैसे हमारे पास पहले काफ़ी सारी मशीन थी, तो वो भी हम कर लेंगे अभी। लेकिन अभी सबसे पहले ये जो 2-4 पाइप्स बची है ना, इनको ना फटाफट से उठा के अपने ट्रक में रखते हैं। बस एक पाइप ये बची है, ठीक है, इसको भी उठा के हम रख देते हैं ट्रक के अंदर। और अपना पैन है ना, इसको भी ले चलते हैं ना भाई, ये भी यूज़ हो जाएगा, इसको भी ले कर चलते हैं। इसको हम रख देते हैं एक सेकंड इसके ऊपर, ठीक है, फटाफट से अपने ट्रक लेके चलते हैं। और ना मुझे एक चीज़ और ख़रीदनी थी, लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा दूसरी मार्केट में, और वो जो चीज़ है ना यार थोड़ी सी महंगी है, और अपने पास इतने पैसे हैं नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल जितनी अपने पास चीज़ें हैं ना उन्हीं में काम चलाते हैं, ठीक है। बाद में जब थोड़ा पैसा हो जाएगा तब मैं वो जो चीज़ है ना वो लेके आ जाऊँगा, फिलहाल इसी में मैं काम चलाता हूँ। अभी एक काम करते हैं, ये वाली पाइप लेकर चलते हैं। सबसे पहले ना इसको यहाँ से, मुझे रुको, ये वाली पाइप यहाँ से हटानी पड़ेगी, ठीक है, और इसकी जगह ना हमें जो ये वाली टी शेप वाली पाइप है इसको लगाना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, ताकि मैं इनको डिवाइड कर सकूँ। एक पानी जाएगा नीचे, एक जाएगा ऊपर। तो इसको एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, इसको ना एक सेकंड ऐसे करके, और अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा नीचे, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद मुझे अब दूसरी वाली कर्व वाली पाइप चाहिए, इसको हमें लगाना पड़ेगा इसके नीचे। यहाँ से ना ऐसे इसको कर देते हैं हम रोटेट, यहाँ से इधर से, एक सेकंड, ये इधर से, ठीक है, ये इधर हो गया। उसके बाद इस वाली पाइप को हमें लगाना है इसमें, और एक पाइप मुझे और चाहिए, एक इसको उठाते हैं और इसको लगा देते हैं। लेकिन एक सेकेंड, ये लग क्यों नहीं रहा, एक मिनट, अच्छा ठीक है, इसके ऊपर डॉट है ना, रुको यार, यहाँ से ना डॉट मुझे हटानी पड़ेगी। इसको हटा के ना मैं साइड में रख देता हूँ, और अब मैं लगाता हूँ, ये तो अभी भी नहीं लग रहा भाई, ये क्या सीन हो रहा है, अब क्या बचा भाई इधर। मैंने डॉट भी हटा दी, बाकी अब तो लग जाना चाहिए यार, एक सेकेंड, लग क्यों नहीं रहा ये, अब क्या बच गया भाई इधर। एक काम करता हूँ मैं, रुको, ऐसे तो लग नहीं रहा है, इस मशीन को हटा के देखता हूँ मैं, रुको, इस मशीन को हटा के ना, अब लग नहीं, अभी भी नहीं लग रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऊपर अटक रहा है। एक मिनट, ये डॉट पड़ी है इधर, मैं इसको साइड हटाता हूँ। देखो वहाँ पे थोड़ी सी डॉट और लग रखी है ना, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, रुको, अपनी शवल को उठा के ना सबसे पहले इस डॉट को यहाँ नीचे हम रख देते हैं। और अब ये देखो, ये डॉट है ना, तो इसको मुझे साइड में हटाना है भाई, ये छोटी सी डॉट बीच में दिक्कत दे रही थी, और कहीं तो डॉट मुझे नज़र नहीं आ रही। आई थिंक अब अपना जो ये सिस्टम है ना वो वर्क कर जाए। मैं एक बार लगा के देखता हूँ इसको यहाँ पे, इस वाले हार्वेस्टर को हम लगाएंगे यहाँ, एक सेकंड, आगे, और इस पाइप को अब
ठीक है, अब ये कनेक्ट हो चुका है, वो बस डॉट दिक्कत दे रही थी, बाकी अब सब कुछ ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले ना ये लालटेन उठाता हूँ और लालटेन को वहाँ पे लेके चलते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है ना, तो इससे थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा काम करने में आसानी होगा। और अब मुझे, अभी एक मिनट, पानी गिर रहा है। अच्छा, मैंने इसको गलत लगा रखा भाई, मुझे लगा मैंने इसको सही लगा रखा, लेकिन पानी की आवाज़ सुन के मैं सोचा भाई पानी कहाँ से लीक हो रहा है, पानी तो लीक होना नहीं चाहिए, इसको ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो पानी लीक नहीं होगा, सारा पानी इधर से उधर जाएगा, मतलब एक मशीन उसमें और दूसरी मशीन इसमें। अब मुझे काम करना है बस डर्ट उठा के उस पर लगाने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब ना थोड़ा सा और नीचे सा डर्ट लेके आते हैं, ठीक है, ताकि हमें और भी अच्छे रिसोर्सेज मिले। मशीन को तो ऐसे रहने देते हैं, ऊपर से तो मैंने बंद कर रखी है, और अपना हार्वेस्टर, अच्छा हार्वेस्टर चलता रहता है, उसको बंद ऑन करने के लिए ना, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, तो उसको ऐसे रहने देना पड़ता है हमें। चलो कोई नहीं, अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से हम ना एक डॉट लगा देते हैं क्राउच होके, ठीक है, डॉट मैंने लगा दिए, और अब बारिश को टेस्ट करने की, लेकिन अभी यार थोड़ा सा ना अंधेरा ही है। काम करता हूँ मैं, पहले सो जाता हूँ, ठीक है, पहले सो जाते हैं, उसके बाद सुबह उठ के मशीन को टेस्ट करेंगे। वैसे तो अब मुझे लग रहा है कि अब वो वर्क करनी चाहिए, क्योंकि अब तो हमने डॉट लगा दी, पाइप्स कनेक्ट कर दिए, सब कुछ हो चुका है। तो अब एक काम करा जाए, यहाँ से इसको करते हैं, नहीं यहाँ से तो ऑन ही है, यहाँ से मुझे बस ऑन करना है इसको, ठीक है, एंड अपना जो काम है वो आखिरकार होना स्टार्ट हो चुका है। मैं बिल्कुल परफेक्ट अपने मशीन्स वर्क करें, ये दोनों बार भाई एमरल्ड मिला मुझे। लेकिन अभी एक मैं काम करता हूँ, एक चीज़ मुझे और बाय करनी थी, वो जो हैंड सॉर्टर है ना, मुझे वो लेके आना है, तो मैं एक बार देख लूँ कि इसका प्राइस कितना है। अब ये तो महंगा यार, 165 कॉइंस का है यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया। मैं काम करता हूँ, चलो तब तक के लिए मैं एक ये खरीद लेता हूँ, ठीक है, इसको ना चल के जो हमारा वो बास्केट पैन है ना, उसके नीचे मुझे लगाना है, क्योंकि ज़मीन थोड़ी उबड़ खाबड़ होती है ना, तो कभी कभार पैन रखने में दिक्कत होती है। तो ये एक सरफेस आ जाएगा, प्लेन सा सरफेस, तो आराम से हमारी आसानी होगी। देखो इसके नीचे ऐसे लगा देंगे, ठीक है, जब दूसरी बकेट यहाँ पे लगानी होगी ना, तो हम इसको उठा के आराम से लगा सकते हैं। फिलहाल अभी देखो काफ़ी जल्दी जल्दी अपने पास आयरन और गोल्ड और थोड़े बहुत ये जेम्स भी आ रहे हैं, इनको तो मैं निकाल निकाल के रख देता हूँ, उनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वही हमें जैम कटर चाहिए, ठीक है, अगर हमें इसको वो करना है, इसको अगर शेप हमने देनी है। अरे मछली नहीं फंसी क्या? एक और मछली फंस रखी है, ठीक है, अपने पास दो मछली हो चुकी है। एक मैं काम करता हूँ, इनको बेच के आते हैं, कितने पैसे मिलेंगे? वैसे दो मछलियों के बदले, रहने दो यार, दो मछली के बदले कितने पैसे मिलेंगे? मैं थोड़े से ना और मछली पकड़ता हूँ। एक काम करता हूँ, फिशिंग रॉड खरीद लेते हैं, ऐसे में काफ़ी टाइम लगेगा अगर हम वेट करेंगे नेट में फंसने का। तो फिशिंग रॉड एक है 52 कॉइंस की, तो 52 कॉइन मेरे पास है क्या? हाँ, 52 कॉइन्स अपने पास पड़े थे, और इस फिशिंग रॉड की मदद से हम काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है, फिर उसको हम बेच के आते हैं। अब देखो इससे ना अपना थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि अपने जो मशीन है वो वर्क तो कर रही है, साथ ही साथ हम उधर मछलियाँ पकड़ेंगे वहाँ पे, और दूसरी साइड अपने जो ओर्स हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे, तो हम उनको बेच के आ जाएंगे, तब अपने पास काफ़ी सारा पैसा जल्दी हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, इस पैन को ना हमने यहाँ पे रखना है नीचे, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा और पास में मुझे फिशिंग रॉड ना हटानी पड़ेगी, इसको ना थोड़ा पास में रखना, ताकि जो मैं मछलियाँ पकड़ूँ ना वो सीधा मैं इसमें घेर दूँ, ठीक है। देखो ऐसे अगर हम इसको पकड़ते हैं, एक सेकंड, इसका पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा यार, थोड़ा सा आगे रखना पड़ेगा मुझे इसको, यहाँ पे अभी भी वो ठीक नहीं है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूँ इस पॉइंट को, इसके अंदर गिरना चाहिए मछली, ठीक है, देखते हैं मछली कब आती है। ठीक है, एक फंस गई, लेकिन ये उसके अंदर नहीं गिरी, इसको ना थोड़ा सा मुझे अच्छे से करना पड़ेगा यार। देखो ये जो पॉइंट है ना नीचे वाला, उसको मुझे इसके अंदर रखना है बकेट के, पैन के, ताकि सीधा पैन में मछली आके गिरे ऐसे करके, ठीक है। अब देखते हैं जब मछली आएगी ना, भाई कोई बड़ी, ठीक है एक और आ गई, लेकिन ये भी छोटी सी थी, कोई बड़ी मछली आए ना फिर उसके हमें थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। चलो मैं काम करता हूँ, ज़्यादा नहीं पकड़ेंगे, थोड़ी बहुत ही पकड़ेंगे, क्योंकि इतने में अपने पास काफ़ी सारे वो ओर्स इकट्ठे हो जाएंगे ना, हम उन्हीं को बेचे काफ़ी सारा कॉइन्स अपने पास हो जाएगा, ठीक है। अपने पास ये 4-5 तो हुई है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, एक आध और पकड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर निकलते हैं। अपने पास सिर्फ एक ही बड़ी मछली आई है, वो भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं, देखो ये वाली, लेकिन चलो देखते हैं ये वाली मछली कितनी बड़ी होती है, ठीक है, ये भी छोटी सी थी, रहने देते हैं, अभी निकलते हैं, ठीक है, अभी इसको ना लेके निकलते हैं। यहाँ पे मैं एक बार देख लूँ कि ओ भाई एक मिनट, ये डॉट तो यहीं पर मैंने छोड़ दी, इसको अंदर डाल दो ना, और एक सेकेंड ये आयरन इसके अंदर डाल दो, ओ भाई सभी तो काफ़ी सारे हो गए, देखो काफ़ी सारे अपने पास आयरन और गोल्ड हो चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, रुको मशीन को बंद, या फिर मैं नहीं, पैन तो खाली, मैं खाली पैन तो अपने पास है नहीं यार, यार खाली पैन तो पड़ा था मेरे पास, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने वो। अपने पास दो ही पैन है, खाली के तीन थे। चलो कोई नहीं, अभी एक मैं दूसरा पैन भी खरीद लूँगा, ठीक है, एक हैंड सॉर्टर भी खरीद लेंगे, एक पैन भी खरीद लेंगे, भाई इनसे तो काफ़ी सारा पैसा मिल जाएगा। इतनी जल्दी अपने पास इतने सारे जो ओर्स है वो हो चुके हैं, और सोचो अगर अपने पास तो थोड़ी और ज़्यादा मशीन हो जाएगी, कम से कम 4-5, तब तो भाई अपने पास काफ़ी ज़्यादा ओर्स इकट्ठे हो जाएंगे। 249, चलो
ठीक है 249 कॉइन्स हमें मिल चुके हैं। 165 का अपने पास एक हैंड सॉर्टर आ जाएगा, और वो जो पेन है वो तो काफ़ी सस्ता आता है, 4-5 या फिर 10 कॉइन्स का ही आता है, तो उसको भी हम आराम से खरीद लेंगे। ठीक है फटाफट चलते हैं खरीदते हैं, और एक सेकेंड उसके लिए भी मुझे ना पाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ तक मुझे याद है ना कि हैंड सॉर्टर उसके ना उधर से पाइप लगानी पड़ती है। एक सेकेंड इनको मैं कंबाइन कर देते हैं। वेट अभी इसको उठा के ना इसके ऊपर गेयर पे हो जाए यार कंबाइन, कभी कभार पता नहीं इनका क्या सीन होता है, देखो कंबाइन ही नहीं होता भाई, एक के ऊपर मैं एक गेयर भी रहूं फिर भी कंबाइन, अरे हो जा रे देवा हो जा इसके ऊपर, अरे नहीं होगा क्या भाई, ऐसे भेज दो क्या यार, एक बार बस लास्ट बार है, एक बार और करते नहीं होगा तो नहीं हो गया, चलो शुक्र है हो ही गया। ये रहा हैंड सॉर्टर, ठीक है इसको हम बाय कर लेते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी पाइप्स मुझे चाहिए, लेकिन पाइप्स ज़्यादा नहीं चाहिए, एक तो टी वाली चाहिए, ठीक है इसकी तो ज़रूरत अपने को पड़ेगी पड़ेगी, और उसके बाद एक काम करते हैं, एक हम ले लेते हैं कर्व वाली, एक कर्व वाली अपने पास हो जाएगी, और उसके बाद ये जो स्ट्रेट वाली पाइप्स है ना इनको भी हम खरीद लेते हैं। 240, चलो 240 हो चुके हैं, और अपने पास एक दो पाइप और भी बची है ना, तो उसको भी हम यूज़ कर लेंगे भाई, इतना पैसा क्यों लगाना। तो इसको देखो मैं कैसे रखना है, इसको ना मुझे सबसे पहले रुको पैन उठा के ना मैं काम करता हूँ, यहाँ रखता हूँ इसको, हम रखेंगे यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है जो ओर्स आएंगे ना वो गिरेंगे सीधा इस हैंड सॉर्टर में, लेकिन ये गलत लग गया, वहाँ से पाइप का कनेक्शन जा नहीं पाएगा, तो इसको ना मुझे ऐसे करके लगा, नहीं ऐसे भी नहीं, उस साइड करके लगाना पड़ेगा, ताकि दोनों जगह से ना इसमें से दो तरफ से आइटम निकलते हैं, ठीक है तो इसलिए दो जगह में छोड़नी पड़ती है। रुको मैं सबसे पहले चल के ना वो जो टी शेप वाली पाइप है पहले उसको लेके आते हैं, वो वहाँ पे लगेगी ताकि हम उसको कनेक्शन दे सके दोनों में, पानी ऊपर भी जाए और नीचे वाले हैं सॉर्टर में भी जाए, तो इसको सबसे पहले मैं चल के लगाता हूँ, यहाँ पे लग जाएगा ये, इसको रोटेट करते हैं सबसे पहले इधर को, ठीक है। और अभी एक मैं काम करता हूँ यहाँ पर ना ये वाली पाइप्स पहले मैं इधर लगा देता हूँ, एक यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है उसके बाद एक और उठाते हैं और एक लगाते हैं यहाँ पे। तो अब मुझे चाहिए एक और दो, ठीक है दो कर्व वाली पाइप्स चाहिए, तो एक तो मैंने खरीद रखी है, ठीक है एक और खरीद लेते हैं, ऐसे ना मैं आइडिया हो गया ना तो मैं फिर पता नहीं कितनी पाइप्स खरीद लेता, तो इसलिए मैंने पहले चेक ही कर लिया, एक ये खरीद लेते हैं, ठीक है ये आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है 25 कॉइन्स का ये आ गया, ठीक है अब इनको लेके चलते हैं फटाफट से लगा देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि अपना हैंड सॉर्टर अच्छे से वर्क करता है या फिर नहीं, या फिर कुछ इसमें और भी चेंजेस करनी पड़ेगी। वैसे जहाँ तक मुझे याद है ना कि पिछली बार जब हमने खेला था तो शायद से मैंने ऐसे ही लगाया था, और ऐसे ही लगता है यार ये, क्योंकि एक ही पाइप का कनेक्शन तो है ही है उसमें, तो ऐसे ही लगता होगा। चलो अभी मैं एक बार चेक कर ही लेते हैं, फिर भी इसको भी चल के हम लगा देते हैं इसके इस वाले साइड में जहाँ से ये ओपन है, यहाँ पर रोटेट करके ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है परफेक्ट। और अब मुझे काम करना है, एक पैन मुझे रखना पड़ेगा ये यहाँ पे, ठीक है एक यहाँ से सामान आएगा, उसके बाद दूसरे वाला पैन यार अभी तो था, तीन पैन थे अपने पास में, एक पैन कहाँ रख दिया मैंने, एक पैन कहाँ पड़ा अपना, देखो इसमें तो मछलियाँ पड़ी है, मछलियाँ एक काम करें क्या, मछलियाँ मैं बेच के आ जाऊँ क्या, क्योंकि अपने पास वो वाला जो पैन है ना वो पता नहीं मैंने कहाँ रख रखा है। चलो मछलियों को बेच के आते हैं, इनसे भी थोड़ा बहुत पैसा तो अपने को मिल ही जाएगा। इसको मैं यहाँ पे उठा कर रख देता हूँ कॉर्क को, कोई जगह से पानी लीक तो नहीं हो रहा ना, नहीं कहीं से भी लीक नहीं हो रहा। अपनी गड्डी को लेकर चलते हैं, और अभी चल के मार्केट में ना मछलियाँ बेच के आते हैं। अच्छा मुझे याद आ गया कि मैंने पैन कहाँ पर रखा है, वो शॉप में ही रखा है शायद से, मैं देखूँ, हाँ देखो उसी में पड़ा है, क्योंकि जब मैं वो लेके गया था ना कॉइन्स तो मैंने वहीं पे रख दिया था। चलो ये हम पहुँच चुके हैं मार्केट में, और वो रही सामने वो जगह जहाँ पे हमने जो मछलियाँ हैं वो बेचनी है। यहाँ पे डिमांड भी चेक करनी पड़ती है कि डिमांड हाई है या फिर लो है, अगर ज़्यादा डिमांड होती है ना तब बेचने का फ़ायदा होता है, डिमांड कम है तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है 102.4 से भाई डिमांड बढ़ रखी है, 154, अब ये 5-6 मछलियों के बदले में 54 कॉइन्स मिल गए यार, तो काफ़ी सही हो गया भाई, काफ़ी ज़्यादा सही हो गया, क्योंकि इतने पैसे मिलते नहीं है मछलियों के, मछली काफ़ी सस्ते में बिकती है, लेकिन डिमांड ज़्यादा थी तभी हमें ज़्यादा पैसे मिले। और एक चीज़ मुझे और चेक करनी है, रुको इन्होंने ना माइंस वगैरह में भी थोड़ी चेंजेस की है, एक बार अंदर चलते हैं। ये देखो भाई थोड़ा सा चेंज तो मुझे लग रहा है, यहाँ पे देखो शायद से ये नहीं था पहले, ये बंदा आ चुका है यहाँ पे, क्या यहाँ पे कुछ है क्या यूज़ करने के लिए, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन देखो ऊपर से सनलाइट पड़ रही है और वो पड़ रही है नीचे। यार इनका ना मुझे सीन समझ नहीं आता, इनका यूज़ है या फिर ये ऐसे रखे हुए हैं, मुझे देखना पड़ेगा, या फिर अगर आप सबको किसी को पता है ना तो कमेंट में बताना, पता नहीं क्या यूज़ है उनका, मुझे तो पता नहीं। लेकिन चलो अभी अपनी जो पिकअप है ना उसको लेके, पिकअप नहीं ये ट्रक है अपना, ठीक है इसको लेके चलते हैं, और अपना जो वो वाला मशीन है ना एक बार मैं उसको टेस्ट कर लूँ। देखो सबसे पहले वो जो पैन है ना, मैं काम करता हूँ इस पैन को हम यहाँ रख देते हैं, इसमें जो कॉइन पड़े हैं ना कॉइन्स को हम डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है हो गया कंबाइन। और अब मुझे एक चीज़ बाय करनी है, वो है एक और पैन,
ठीक है, ये हो गया 12 कॉइन्स का, इनको ले चलते हैं और इनको अपने इसमें रख देते हैं ट्रक में, क्योंकि पेन की अभी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। भाई ये तो ऊपर ही अटक गया, एक मिनट, इसको हमें इसके नीचे रखना है। ठीक है, पेन्स की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और भी तो पड़े अपने पास, मैं एक ही लेके जा रहा था, इसके भी रखते हैं। ठीक है, और अपने पास एक पेन और है, इसको भी उठाते हैं, एक में मछली रखेंगे और बाकी एक तो दूसरी साइड आएगा, और एक अपने पास एक्स्ट्रा रहेगा कि अगर कोई काम आता है बाद में तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बार बार कौन भाई उनको खरीदेगा बेचेगा, इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ। ठीक है, और अभी सबसे पहले अपना एक पेन निकालते हैं और इसको हमें रखना है यहाँ पे, इसमें मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, जेम्स मैं इसी में डाल देता हूँ ये वाले। और अभी ना मुझे एक एक पीस की ज़रूरत पड़ेगी, एक आयरन और एक गोल्ड की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। एक काम कर, मैं माइन कर लूँ या फिर नहीं, माइन कर रहने देते हैं, मैं मशीन को स्टार्ट करता हूँ, इसमें से हमें मिल जाएगा, क्योंकि ना वो ऊपर रखने होते हैं। ये क्या हुआ, ये तो इसमें अटक गया। सेकंड, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, गोल्ड को ना यहाँ पर रख देता हूँ मैं इसके ऊपर। ठीक है, गोल्ड आएगा ना वो गिरेगा इसमें, भाई ये थोड़ा सा आगे रख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, गोल्ड आएगा वो गिरेगा इस वाले में, और जो एक सेकंड पहले मैं इनको निकाल ही देता हूँ, गोल्ड और आयरन। ठीक है, आयरन भी हमें चाहिए उस वाले पैन में, तो इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे। ठीक है, आयरन और गोल्ड उसमें जाएगा, देखो गोल्ड अब जा रहा है ना इसके अंदर, और आयरन भी अगर मैं यहाँ पर गिरूँगा ना तो ये आएगा इसके अंदर। एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा पास रखना है हमने, अब देखते हैं कि अब इसमें से क्या निकलता है। एक सेकंड भाई, वो आयरन अटक गया यार, एक मिनट, इसको अगर मैं निकाल कर रखता हूँ, हाँ अब ठीक वर्क कर रहा है भाई, बिल्कुल बढ़िया से वर्क कर रहा है। इसको एक काम करते हैं, मैं इसको एक बार इसमें डालता हूँ। ठीक है, और जो अपने जितने भी एमरल्ड है ना, एक बार मैं देखूँ कि उसके अंदर जा रहा है नहीं, तो थोड़ा सा ना यहाँ पे ये अटक रहा है, इसको ना मुझे वापस से उठा के थोड़ा सा इधर रखना पड़ेगा ऐसे करके। अब इसको ट्राई करते हैं, अब जाना चाहिए इसके अंदर, अभी भी थोड़ा सा दम लग गया, थोड़ा सा पास और हल्का सा पास अटक, नहीं ये तो कुछ ज़्यादा चिपक गया भाई। देखो इसको उठा के ना एक थोड़ा सा दूर, अब मुझे लग रहा है कि अब काम बन जाना चाहिए। ठीक है, अब हो रहा है, ठीक है चलो, अब ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है, थोड़ा सा पीछे हो रखा है बट कोई नहीं भाई, जेम्स उसमें गिर रहे हैं। चलो, अपना जो सिस्टम है ना वो आखिरकार अच्छे से वर्क कर रहा है, और अगली बार हम ये काम करेंगे और भी ज़्यादा मशीन्स लाएंगे, ताकि अपनी जो माइनिंग की ये प्रोसेस है ना माइनिंग का, वो काफ़ी जल्दी जल्दी हो सके, अपने पास काफ़ी सारे ओर्स हो जाए, फिर अपने पास काफ़ी सारे कॉइन्स हो जाए, और उन कॉइन्स को हम आगे यूज़ करें। तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को एक सेकंड एंड करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं बाय कर लेता हूँ सबसे पहले, ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। इससे पता क्या होगा कि इससे जो पानी का प्रेशर है ना वो बढ़ जाएगा। 142 तो भाई मेरे पास कॉइन्स है नहीं, मैं काम करता हूँ अपने पास जो ये कॉइन्स बचे हैं ना, रुको इसमें कितने थोड़े से और हैं, बाकी मैं काम करता हूँ इनको ना बेच के आ जाता हूँ। रुको सबसे पहले ना इस वाली बकेट को मैं यहाँ से, यार ये अटक जा रहा है बीच बीच में, मैं थोड़ा सस्ते वाला हैंड सॉर्टर है ना इसलिए ऐसे वर्क कर रहा है, मतलब तो महंगे वाला तो भाई वो काफ़ी जल्दी वर्क करते हैं। रुको मैं इस पहले मशीन को बंद करता हूँ। ठीक है, इस वाले पेन को हटाते हैं और इसकी जगह लगा देते हैं हम इस वाले को यहाँ पे। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके अंदर जाना चाहिए ये, नहीं इस थोड़ा सा आगे हो गया, थोड़ा सा उठा के पीछे रखना है। अब अभी भी थोड़ा सा उधर हो चुका है ये, अब यहाँ पे ठीक है, अब इसके अंदर ही जाना चाहिए भाई। हाँ चलो, अभी अच्छे से वर्क कर रहा है, इसको ना मैं चल के बेच के आता हूँ, क्योंकि हमें 145 था क्या शायद से, उतने मुझे कॉइन्स चाहिए, तो इसके बदले देखते हैं कि हमें कितने कॉइन्स मिलते हैं। और वैसे भी अपने पास 60 तो पड़े हैं, बस थोड़े से हमें और चाहिए, इनसे मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, जितने हमें कॉइन्स चाहिए ना हमें इन इतने आयरन और गोल्ड से मिल जाएंगे। इसको यहाँ से 145, पूरे 145 हमें इसी से मिल गए। चलो अभी इनको लेके चलते हैं, और वो जो टैंक्स है ना, वो क्या कहते हैं उसको भाई, प्रेशर टैंक ऐसे कुछ कहते हैं उसको, तो वो हम खरीद लेते हैं, वो अपना काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा उससे। वैसे मुझे 2-3 खरीदने हैं, लेकिन अभी अपने पास इतने कॉइन्स नहीं है ना कि हम खरीद सकें। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ रखता हूँ। कितने का ये, 142 का है, मैं 145 सोच रहा था। रुको, इसको मुझे पहले बाय करना पड़ेगा ना यहाँ से। अब इसको लेके चलते हैं, बकेट में डाल के नहीं ले सकता ना मैं, नहीं भाई ऐसे लेके जाना पड़ेगा इसको हाथ में। और इसमें ना हमें इसको एक्टिवेट करने के लिए वो जो शार्ड हमने कलेक्ट करे ना वो यूज़ होंगे, तो उनको हमें डालना पड़ेगा। रुको मैं यहाँ से ना एक पाइप निकाल देता हूँ, इसको इस वाले को निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको निकालते हैं और इसकी जगह लगा देते हैं हम अपना ये वाला प्रेशर टैंक। इसको यहाँ से करते हैं ओपन। ठीक है, और अब मुझे चाहिए एक शार्ड इसमें पड़ा है, एक पड़ा है इसको, एक मिनट ये तो जैम हो गया ना, इसको निकालते हैं। और शार्ड को हमें रखना है इस वाले टैंक के अंदर रखना है इसको। रुको, इसको उठा के ना ऐसे रख देते हैं और इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, ऐसे ही एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ और एक बार मैं देख लूँ कि वर्क, हाँ ठीक है ये वर्क कर रहा है। चलो अब बहुत बढ़िया हो गया, अब सारा काम अपना हो चुका है। तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं करा
फटाफट से जाके फॉलो कर लो, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।